मेरा नाम जुहेब है और आप लोग देख रहे हैं साइंस एंड रियलिटी फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी जबरदस्त स्पीच लेकर आया मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसमें एक टॉपिक है जिसमें एक लड़का सवाल करेगा कि अल्लाह ताला ने इतने फिरके क्यों बनाए, कि मुसलमान इतने फिरकों में क्यों बटाया। तो उसकी बहुत अच्छी डॉक्टर जाकिर नाइक ने लॉजिक दी और काफ़ी रेफरेंसेज दिए। पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे मैं आपको जो है मज़ीद डिफाइन करूँगा। नंबर एक में अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हेमंत नायर, टू आई बिलोंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। आई वॉन्ट टू make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't he give birth in a human fetuside with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. मैंने सवाल किया कि अगर खतना करना जरूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या जरूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुभाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रोप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रोप्यूज, दिस प्रोप्यूज एक्ट एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रोप्यूज एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर वन। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रोप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों ने पैदा किया? पॉइंट नंबर वन मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज अल्लाह ने बनाई, जहर। आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड रसूल ऑर नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फर्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फायदे हैं। खूब ध्यान से क्वेश्चन। बहनों की तरफ से कोई सवाल हो माइक नंबर तीन से। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, और जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे, और उसको इजाजत है कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इस्लाम में लेकिन किसी पे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लाम में किसी को जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करना हराम है, इस्लाम में भी हराम है। कुरान में लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन,
कि इस्लाम के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो जबरदस्ती करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या। आप पर किसी ने जबरदस्ती किया? नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? नहीं। आप मानती है कि एक अल्लाह है, एक खुदा है? या। आप मानती है इसके अलावा कोई मामूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर है? या। इंशाल्लाह ये देश में मुमानियत नहीं है, इस्लाम में मुमानियत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूं आपको इस्लाम कबूल करने से? इंशाल्लाह मैं आपको अरबी में कलमा पढ़ाऊंगा, उसके बाद तर्जुमा आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई महमूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जदाए खैर दे और अल्लाह आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। और मैं सारे लोग, जैसे कहा मैंने कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है हमें उसका साथ देना चाहिए, उसकी जो भी मुश्किलात है उसे दूर करना चाहिए, और जब भी कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जैसा कि गोया एक नया इंसान जन्म ले रहा है। मैं भी आपसे दुआ करता हूँ कि आप जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। माइक नंबर दो से भाई का सवाल। मेरा नाम अंदाज से, मेरा एक क्वेश्चन है कि खुदा सबको बनाया, जाकिर का ये बात है कि खुदा एक है, तो फिर आदमी इतने फिरकों में कैसे बढ़ गया? भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फिरकों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मजाहिब क्यों हैं? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, सिर्फ वही मजहब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नजदीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुबहान व ताला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे, और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन दूसरे मजहब को मानता है तो आखरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुबहान व ताला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था, वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह एक खुदा की इबादत। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिया कि फिरकों का बटा होना या ज़्यादा फिरकों का होना ज़रूरी नहीं है, मुसलमान सही मुसलमान वही है क्या अगर वो अल्लाह की इबादत करता है और एक अल्लाह को मानता है। जिस तरह से उन्होंने मिसाल भी दी कि उससे पहले भी बहुत पैगंबर आए, वो भी अपनी अपनी कौमों को यही जो है सलाह देते रहे, यही बयान देते रहे कि अल्लाह एक है उसी की इबादत करनी चाहिए। तो ये इससे जाहिर होता है उनके इस बयान से कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि असल में जो है बहुत सारे फिरके भी अगर हैं या बहुत सारे मजहब भी अगर हैं, लेकिन बताया यही गया है तमाम पैगंबरों की तरफ से कि यही अल्लाह है उसी की इबादत करना चाहिए करो। और उस खुदा उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन मजहब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए, फिर कुछ वक्त के बाद
फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट आई जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते अल्लाह की तरफ से अपने फायदे के लिए, उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है और वो जो चीज कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन मजहब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मजहब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मजहब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मजहब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मजहब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मजहब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मजहब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस स्पीच को कंप्लीट होते ही जो वो बयान करना चाह रहे थे वो ये था कि जितने भी पैगंबर आए थे लेकिन उन्होंने एक ही अल्लाह को मानने की हिदायत की थी और जितने भी मजहब हैं वो सारे के सारे उस वक्त के जिस वक्त वो आते थे उस वक्त के हिसाब से जो है पैगाम लेकर आते थे अल्लाह ताला की तरफ से। फिर एक पैगंबर जाने के बाद दूसरा पैगंबर आता था तो फिर वो अपनी नई तालीमात लेकर आता था, लेकिन जब इस्लाम आखिर में आया तो वो सारी की सारी तालीमात का खुलासा था और वही सही मदद था। इसलिए सबको चाहिए कि एक ही अल्लाह को माने और इस्लाम को माने, ताकि जो है क्योंकि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को भेजा इसलिए था क्योंकि सारे के सारे जो मजहब आए थे, सारे के सारे जो पैगाम आए थे वो उस वक्त अल्लाह ताला को कम्प्लीट करने थे। माइक नंबर 1 में जो भाई खड़े हैं सवाल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज अदा करूं और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं, एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मजहब पसंद है, पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है? मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज नहीं, हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में,
लेग बिफोर विकेट। तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है, लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मजहब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे जबरदस्ती करी कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश है, हमारे परिवार भी खुश है। माशाल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसको दोहराइए। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशदु वाशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है, आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं जी। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आप के पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये जिंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता। अल्लाह सुबहाना व तआला ने जिंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए। ये जिंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल 60 साल। आखिरत की जिंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूंगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुबहाना ताला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया, जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की, जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सुना नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुबहाना व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूं कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किल आते, अल्लाह सुबहाना व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की जिंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए इस दुनिया और आखिरत में भी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आप लोगों के लिए। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वीडियो के आखिर में स्पीच में सवाल का जवाब देते हुए बयान किया कि जो भी चीज़ बनाई गई है, जो भी जिंदा चीज़ है, उसको एक दिन मरना है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो सारे के सारे दुनिया में जो लोग हैं, इंसान हैं, उनको मुसलमान बना के पैदा करता, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने लोगों से आजमाइश लेनी थी और लोगों को जो है तालीम के जरिए चेक करना था कि वो इस्लाम के रास्ते पर आते हैं कि नहीं आते। और वो साथ साथ ये भी बताना चाह रहे थे कि जो ज़िंदगी है वो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, ऐसा ज़िंदगी जो है मरने के बाद है। जैसा कि हमारे इस्लाम में यही बयान किया जाता है बार बार कि ऐसा ज़िंदगी मरने के बाद है। ये सिर्फ ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने इंसान को एक टेस्ट के तौर पे दी है, उसमें वो ये चेक करता है कि बंदा उसका किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। फिर जब वो मर जाएगा तो उसके बाद ही ऐसा ज़िंदगी उसकी शुरू होगी जो कि बहुत लंबी होगी यहाँ की ज़िंदगी से, और वो हमेशा ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है और बहुत लंबी ज़िंदगी होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इंसान एवरेज 40-50 साल जीता है, तो वो ज़िंदगी ता हयात कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी, कभी जो ख़त्म नहीं होगी। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।